चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने गार्डन में केट प्लांट की टोपियारी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। देखिए, पहले तो मुझे एक पॉट लेना होगा जिससे कि उसमें गार्डन सॉयल, मैंने कैसे ही सॉयल तैयार की है, 50% गार्डन सॉयल है और 40% गोबर की खाद है, 10% इसमें वर्मी कंपोस्ट है। अब आज मैं दिल के आकार का टोपियारी बनाना चाहती हूँ। मेरे पास मोटा तार नहीं है मित्रों, इसलिए देखिए ये जो वायर होता है इसके लिए मैंने कई लेयर में बना के ऐसे फोल्ड करके ये बनाया है। कुछ सामान की जरूरत होती है जैसे वायर की और कटिंग्स की और लपेटने वाले रस्सी की, सीजर की, इन चीजों की जरूरत होती है। तो इनको देखिए मैंने दिल के आकार का बना लिया है। मेरे छत पे मित्रों बहुत सारे टोपियारी और बहुत सारे बने हुए हैं ऊपर। ये देखिए मैंने मंदिर का टोपियारी बनाया हुआ है, इनका वीडियो भी आपको डाला है, बहुत पसंद किया है आपने। देखिए पीकॉक की टोपियारी बनाई है, बहुत सारे छत पे लगे हुए हैं। तो इनको पहले देखिए मिट्टी में दबा लेते हैं जिससे उखड़ने ना पाए आंधी आने पे। बहुत सारी बोनसाई छत पे लगी हुई है मेरे। अब ये इन्हीं प्लांट में से कटिंग्स लेके आई हूँ, अब इनको ऐसे ऐसे किनारे से लगा देना। मेरे पास देखिए मित्रों ऊन है, हरे रंग का ऊन इसलिए लाई हूँ क्योंकि हरे रंग का पेड़ है, इसमें ज्यादा पता नहीं चलेगा। इनको पहले से ही काट लिया है जिससे इनको तार पे ऐड कर सके हम। जेट प्लांट की टोपियारी बहुत आसान है, कटिंग्स लगाते रहते हैं और 2-4 महीनों में इनकी कटिंग्स लग के तैयार हो जाती हैं। और कोई भी आकार में आप टोपियारी बना सकते हो, बोनसाई बना सकते हो, ऐसे आहिस्ते आहिस्ते से कि उनकी सहायता से। और टोपियारी तो मैंने बनाई है तो तार से बनाई है, लेकिन अब सोच रही हूँ हरे रंग का ऊन होगा तो ज्यादा दिखेगा नहीं, अच्छा लगेगा। इसी तरह से इधर भी हमको बांध लेना होगा। इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी मित्रों तो ये तार नहीं दिखाई देगा और बहुत सुंदर लगता है इसके दिल के आकार की टोपियारी। जब बड़े हो जाएंगे इनमें सारी ग्रोथ निकल के आएगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ऊपर से थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देते हैं जिससे कि ये कटिंग्स लग के पकड़ ले। अब थोड़े से डेकोरेशन के सामान भी हैं मेरे पास मित्रों, तो उनको भी लगा देती हूँ। Thank you.
ये रहा मेरा छोटा सा क्रिएटिव कोशिश टोपियारी बनाने की। अगर आपको अच्छी लगी है फ्रेंड तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।